वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुशावदीद। फैसल शहजाद ने हमें ज्वाइन कर लिया है और तैयार हो जाए। वैसे मैंने मुझे हमने बता रही है कि गेस करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कि टॉप 5 फिल्म्स कौन सी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बिजनेस किया है पूरी दुनिया में 2022 एग्जैक्टली 2022 में। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम फैसल मूवी वाला। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सबीन एंड थैंक यू सो मच तौसीक भाई। और आज वो दिन है फाइनली जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। मुझे इतना वक्त इंतजार करना पड़ा कि मैं इस मौजू पे बात करूं। मुझे पता कौन सा दिन याद आ रहा है आज। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब 2022 शुरू हुआ था और फैसल अपने सेगमेंट में आए थे और इन्होंने 2022 की जो एंटीसिपेटेड मूवीज है उनका बताया था। एग्जैक्ट। और ये बताया था कि कौन सी मूवीज को सबसे ज्यादा दुनिया लुक फॉरवर्ड कर रही है। और आज उन्हीं में से दो तीन मूवीज टॉप 5 में आई। एग्जैक्टली। और हम ये भी बात कर रहे थे कि ये जो बहुत बड़े बड़े नाम है, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजेज है, उनकी फाइनली मूवीज जो है रिलीज हो रही है। Exactly. और वो अपने सीक्वल्स बना रही है। Exactly. कुछ मूवीज जो है 36 साल बाद रिलीज हुई तौसीक भाई। 36 साल बाद। यस, 36 साल बाद। अभी बता दो। अच्छा, आपको बड़ा इंटरेस्ट हो गया आज। सबीन, आई एम सो हैप्पी। मैं सोच रही हूँ कितने एकदम से मेरे अंदर से कैसे निकले। बहुत मंजी है। लेकिन हाँ, मैंने 36 साल बाद लास्ट फिल्म कब देखी थी मुझे नहीं याद। मुझे नहीं याद। जब मैं छोटी थी शायद। लास्ट क्रिकेट का मैच कब देखा था मुझे नहीं याद। नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। नहीं नहीं, ये लास्ट एशिया कप, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, पीएसएल। अच्छा, पिछले साल मैंने नहीं देखा। तो इन पांच फिल्मों में से हम ये भी देखते हैं कि सभी ने कोई फिल्म देखी है नहीं, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है काम। मुझे भी काम मुश्किल। अच्छा जी, तो कैसे आप चलेंगे 5 4 3 2 1। एग्जैक्टली, टॉप 5 मूवीज के बारे में आज हम बात करेंगे। 2022 की जो हॉलीवुड की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म जिन्होंने सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस किया, सबसे ज्यादा पैसा कमाया, उन फिल्मों की आज हम बात कर रहे हैं। और हम चलेंगे जरा पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो पांचवें नंबर पे कौन? तो सिर्फ वैसे देखे पूरे साल में ना बहुत सारी फिल्में रिलीज होती हैं हॉलीवुड में। लगभग जब से कोविड आया थोड़ी सी कम हो गई है, वैसे 1000-1200 फिल्में रिलीज होती थी एक साल में। कोविड की बात करते 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 कम होती गई। अब पिछले साल 450 थी, इस साल तकरीबन 500-550 फिल्में जो है रिलीज हुई हैं हॉलीवुड में। और उसमें जैसे कि मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिले हैं। और तो देखिए जो खास बात है ना आज के सेगमेंट की, वो मेरे और आपके लिए बड़ी स्ट्रेंज बात जो है ना, वो ये है कि ये देखें कि सुपर हीरो फिल्में जो है जिनके मैं और आप बहुत बड़े फैंस हैं, वो भी रिलीज हुई और रेगुलर फिल्में भी रिलीज हुई। लेकिन इस साल जो बिजनेस है वो सुपर हीरो फिल्मों ने इतना नहीं किया जितना रेगुलर फिल्मों ने। अच्छा, ओके ओके ठीक है, ओके। अच्छा जी, आप पांचवें नंबर में फौरन जल्दी से जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पांचवें नंबर की फिल्म पर बात करेंगे, ब्लैक पैंथर। उस फिल्म का नाम है ब्लैक पैंथर वकांडा, ये दूसरा पार्ट है इसको ब्लैक पैंथर 2 भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली। और इस फिल्म ने जो है जनाब 250 मिलियन का इसका बजट था और इस फिल्म को बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट किया जा रहा था। उसकी वजह ये थी कि जो इसके जो लीड एक्टर थे जो कि ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, वो 2020 में इस दुनिया से चले गए। और वो उनको क्या जबरदस्त एक्टर थे। और उनके ब्लैक पैंथर जो 1 है, जिन्होंने देखी हो मुझसे इतफाक करेंगे कि उस शख्स की प्रेजेंस थी स्क्रीन के ऊपर और रजा रब की, वो बहुत ही कम उम्र में उनकी डेथ हो गई, इस वजह से बहुत ज्यादा एंटिसिपेट किया जा रहा है। यस, इस वजह से बहुत एंटिसिपेट किया जा रहा था क्योंकि देखिए अगर आपने जिसने देखी है फिल्म, उस एक्टर का नाम है चैडविक बॉसमैन, जो उसके मेन कैरेक्टर थे, वो किंग थे उस वकांडा के। अब देखना ये था कि अब मार्वल जो है अब किसको किंग बनाएगा, क्योंकि वो तो इस फिल्म में नहीं थे। और कहानी को कैसे ट्विस्ट दे। और ये भी कहा जा रहा था सबीन के हो सकता है कि डिजिटली उनके कैरेक्टर को दोबारा जिंदा किया जाए, डिजिटली दिखाया जाए। मैं वकांडा का बहुत बड़ा फैन हूं और ब्लैक पैंथर का बहुत बड़ा फैन हूं। और जो सेकंड इसमें जो उसकी बहन का कैरेक्टर जो अब लीड, क्या जबरदस्त एक्ट्रेस है। ऑफ कोर्स अब क्योंकि वो लीड कर रही हैं। अच्छा तौसीक भाई, मुझे याद है कि मैं इस फिल्म का इतना बड़ा फैन नहीं था, आपने मुझे इसको इंट्रोड्यूस कराया था और उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर दिस, दिस वाज ह्यूज फॉर मी। अच्छा, बज़ाहिर ना साथियों आपको भी बताते चलें, अब आगे भी एक दो ट्रेलर्स हम देखेंगे, डॉक्टर स्ट्रेंज की बात होगी या अवतार की, बज़ाहिर लग रहा होता है कि ये एक्शन हीरो सिर्फ मार कुटाई है, डुश डुश हो रहा है, कुछ अजीब एलियंस आ गए हैं और वो इंसानों पर कब्जा कर रहे हैं, इंसान उनसे लड़े। लेकिन मैं जो इन इन फिल्मों का जो फैन हुआ हूं, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर बाकायदा एक फिलॉसफी होती है, एक तर्ज हयात, जिंदगी को एग्जिस्टेंस का मैसेज होता है। तो ये बाजार सिर्फ ऐसी ठूठा फाइट वाली फिल्में नहीं है, इनको समझना बहुत जरूरी है। दे आर वेल थॉट मूवीज जो कि मार्वल मूवीज हैं और इसके अंदर इमोशन इतना ज्यादा होता है कि आप कहते हैं ना कि आप डाई हार्ट फैन बन जाते हैं कैरेक्टर के साथ,
कैरेक्टर नहीं पूरी सीरीज के साथ, सिर्फ कैरेक्टर नहीं पूरी सीरीज के साथ। अच्छा जी क्विकली हम आगे चलते हैं जी, नंबर फोर, नंबर फोर के ऊपर। अच्छा तोशिक भाई मैंने आपको बताया था फिल्म ने बजट बिजनेस कितना किया, 833 मिलियन का इसने बिजनेस किया है, 250 मिलियन इसका बजट था और रायन कुगलर इसके डायरेक्टर हैं जो कि क्रीड या ब्लैक पैंथर की बात, ब्लैक पैंथर की, और इसके जो डायरेक्टर है ना वो क्रीड जो कि रॉकी एक फिल्म हुआ करती थी पुरानी जी जी, उसका स्पिन ऑफ उन्होंने बनाया और उसके दो पार्ट आ चुके हैं, तीसरा भी आने वाला क्रीड 3 के नाम से। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं तेजी से, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो सिंह भाई आपका फेवरेट कैरेक्टर जो है मार्वल मूवीज का डॉक्टर स्ट्रेंज, और ये जो फिल्म है ये भी बहुत एंटिसिपेटेड थी डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि जब एंड गेम हुई, एंड गेम के बाद नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा। एग्जैक्टली ये उसका पोस्टर है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। सबीन ये तुमने जरूर देखनी है फिल्म, देख ही डाले सबीन। हो सकता है मैं देख लूं फैसल। अच्छा 200 मिलियन इसका बजट था और कोई तकरीबन 955 मिलियन इसने बिजनेस किया है और ये चौथे नंबर पे है 2022 में। और जिन लोगों ने फिल्म देखी है उनको तो पता होगा क्या फिल्म है, क्या बड़ी फिल्म है, और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए कि इसमें एक यंग सी बच्ची होती है जो कि मल्टी यूनिवर्स से आती है और उसके अंदर उसके पास ऐसी ताकतें होती है जिसके पीछे एक ऑफ कोर्स एक नेगेटिव पावर जो है उसके पीछे लग जाती है, तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बचाता है उस बच्ची को यंग सी है। और उसकी शक्ल हू बहू आपकी तरह जरूर देखिए। अब वैसे वाकई मैं देखूंगी। यस 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 उसके जो मेन कैरेक्टर है हाँ। वो बिल्कुल सबीन की तरह। अब मैं देखूंगी जरूर कैरेक्टर लाजमी देखूंगी। सबीन तुम वही तो नहीं हो? नहीं नहीं सही बताओ सबीन, चेक करो ऐसे मेरा ख्याल है बाकी के शो में इधर खड़े हो गए ऐसे करके चेक करो कुछ कुछ ऐसे करो, ऐसे बातें ताकतें तो नहीं है वो, ऐसे बिजली निकलती थी उसके हाथों में, नहीं ऐसे बिजली निकलती थी नहीं गिरी जमीन बिजली निकालती थी बिजली गिराती है। डॉक्टर स्ट्रेंज बड़ी जबरदस्त फिल्म है आप सब देखें। अच्छा इसके जो डायरेक्टर उनका नाम है सैम रैमी और उनके टाइटल के ऊपर और भी बहुत बड़ी फिल्में हैं और उन्होंने स्पाइडरमैन जो कि 2002 से 2007 तक स्पाइडरमैन की सीरीज थी इस डायरेक्टर ने डायरेक्ट की थी और उसके बाद आप ये देखें कि वो जो दुनिया की बल्कि क्या कहा जाए द राइट वर्ड इज ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग जो फिल्म है उसमें स्पाइडरमैन का नाम आता है। और फैसल आपको पता है कि ये डायरेक्टर्स का जिक्र क्यों करते हैं अपने सेगमेंट में, उसकी वजह ये है कि अमूमन हम आर्टिस्ट को स्टार्स को जो स्क्रीन पे उनको तो हम देख रहे होते हैं, उनको पज़ीराई दे रहे होते हैं, लेकिन असल स्टार्स वो डायरेक्टर्स होते हैं इन फिल्मों के, किसी भी फिल्म के कैप्टन ऑफ द शिप इसलिए कहा जाता है कि वो पहले फिल्म देखता है, सबसे पहले वो अपने ख्यालों में फिल्म देखता है, वो अपने माइंड्स आई से देखता है और फिर उसके बाद लेके आता है उसको। अच्छा जी नंबर थ्री, ये तो सभी ने देखी होगी मैं डायनासोर्स अच्छा लगता है आपको? जुरैसिक पार्क देखी थी आपने? वो पता नहीं बचपन में देखी थी, मतलब उसी की बात करो। अच्छा बड़ी हो गई? बड़ी हो गई हूँ अच्छा। थोड़ी सी जुरैसिक पार्क। अच्छा जो तीसरी जो फिल्म है जो तीसरे नंबर उसका नाम है जुरैसिक वर्ल्ड। ओके ठीक है, और ये जुरैसिक वर्ल्ड डोमिनियन इसका नाम है और इसका पोस्टर भी हमारे पास, पोस्टर भी हम आपको दिखाते हैं, ये देखें जी जुरैसिक वर्ल्ड डोमिनियन। अच्छा ये जो है ये जुरैसिक वर्ल्ड का तीसरा पार्ट है, उससे पहले जो तीन फिल्में थी वो थी जुरैसिक पार्क के नाम से, जुरैसिक पार्क 1, 2, 3, अब ये जुरैसिक वर्ल्ड के नाम से सीरीज शुरू हुई है जो कि 2015, 2018 और 2022 में तीसरा। वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स मुझे नाम क्रिस प्रैट इनका नाम है, ये भी आपको बहुत पसंद है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको बहुत बड़ी प्रेजेंस है इस बंदे की। अच्छा ओह यस, तो लेकिन मैंने जो इस अभी पहली खैर दोनों देखी है, मैंने ब्लैक पैंथर ऑफ कोर्स देखी है, डॉक्टर स्ट्रेंज देखी, लेकिन जुरैसिक वर्ल्ड अभी तक नहीं देखी। रिकॉर्ड रिकॉर्ड टूट क्या? क्योंकि उनके डायनासोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा क्योंकि खुद ये डायनासोर्स की एज के है ना। मुझे तो बल्कि ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए अपने पुराने क्लास फेलो से जाके मिलूं। तो इस फिल्म में तुसी भाई इस फिल्म में होता ये है, अगर आपने देखनी है, अगर आपने भी देखनी है, अगर नहीं देखी तो होता ये है कि पहले तो आपको कहीं कहीं जाके डायनासोर नजर आते थे, अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। ओए होए हो ठीक है, अब लोगों ने ये सोचा है कि आपने डायनासोर से या तो सीख लेना उनके साथ रहना कैसे या उनसे जान छुड़ा ली, है प्लॉट इसका जुरैसिक वर्ल्ड। इस फिल्म में 175 मिलियन इसका बजट था और इसने तकरीबन 1.004 बिलियन यानी कि 1 बिलियन का इसने रिकॉर्ड बिजनेस किया है, रिकॉर्ड बिजनेस। और जुरैसिक वर्ल्ड ये वो फ्रेंचाइज है जो हमेशा बहुत बिजनेस करती है, इसकी वजह क्योंकि बच्चों बड़ों दोनों में मकबूल होती है। यस यस यस, और इसकी वजह ये भी है, इसके पीछे जो डायरेक्टर होता है आपको पता है तोशिक भाई, वो उसका बड़ा नाम है, इस फ्रेंचाइज को शुरू किया स्टीवन स्पीलबर्ग ने और अब उन्होंने फिर आगे बाकी लोगों को फिर मौका दिया
इसको डायरेक्ट करने का, और कॉलिन ट्रेवरो इसके डायरेक्टर हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं, अगली जो फिल्म है तो सीख भाई नंबर टू पे। ओए हो, इस फिल्म की बात करने के लिए से पहले मैं एक सिप लेना चाहता हूँ कॉफी का। अच्छा भाई, ये कौन सी फिल्म? ये फिल्म है जनाब नंबर टू पे, और इसकी बड़ी लड़ाई रही है बड़ा अरसा, नंबर वन और नंबर टू की पोजीशन। लेकिन इस फिल्म को बिल्कुल जो है तो सीख भाई, इस फिल्म को इस नंबर टू इसलिए कहा जा रहा है कि जो 36 साल वाली हमने बात की थी ना, कि 36 साल बाद फिल्म रिलीज हुई। 1986 में इसका पहला पार्ट आया था और अभी 2022 में इसका दूसरा पार्ट आया है। और इसके जो हीरो हैं वो 1986 में भी थे और अभी भी हैं। अरे वाह सबीन, कुछ तो गेस करो कुछ। अच्छा सबीन, तो मुझे एक बहुत बड़े हॉलीवुड के एक्टर का नाम बताओ। सबसे बड़ा हॉलीवुड का एक्टर आपके ख्याल में कोई, सबसे मशहूर जिसका तुमने भी नाम सुना हो? जिसका मैंने भी सुना, कौन हो सकता है? टी से नाम शुरू होता है उसका। बहुत प्रेशर है। टॉम, टॉम, टॉम आगे कुछ ऐड करो। आपको भी घर में आपके जो बहन भाई है वो भी ऐसे तंग करते हैं अगर आप मूवी लवर नहीं होते और आप मूवीज नहीं देखते। कौन इंसान है जो मूवीज नहीं देखते? आपके सामने थैंक यू सो मच, आपने इस तरह के इंसान भी हमसे ना फिल्म देखते हैं, ना क्रिकेट का मैच देखते हैं, ना फुटबॉल का मैच देखते हैं, ना खाने पकाने का शौक, ना खाना खाने का शौक, ना किचन में जाने का शौक, ना कपड़े इस्त्री करने का शौक, ना कपड़े बनाने का शौक, ना बर्तन धोने का शौक, ना बर्तन धोने का शौक। कैसे भाई? आपको उससे बात कर रहा हूँ तसीक साहब, जिनकी जिंदगी में इंशाल्लाह ये जाएगी, कैसे भाई? अच्छा तुम्हें कैसे पता चला ये मैसेजेस पे आजकल चल रहे हैं? अच्छा चल रहे हैं, चल रहे हैं, अभी बताते हैं कहां ना जा रहे हैं सोशल मीडिया मैसेजेस। अच्छा वैसे तो जाने ही है ना, तो मैं उस भाई के बारे में सोच रहा हूं। ये फैसल को ना बुलाया करें, ये टीम में पहुंच जाते हैं। बड़ा मुश्किल है भाई, है ना? सॉरी यार। अच्छा जी, टॉम क्रूज, टॉम क्रूज, टॉप गन इस फिल्म का नाम है, टॉप गन मैवरिक। और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी ना, तो खुदा की कसम मेरी आपसे दोस्ती खत्म है, जो भी मुझे देख रहे हैं आपकी थोड़ा बहुत जो मेरे साथ दोस्ती है ना। Exactly. और तसीक भाई, हम ये कह रहे थे कि इस फिल्म ने ये नंबर वन पे रही है बहुत टाइम तक, ठीक है, पिछले कोई 20 दिन तक ये नंबर वन रही है 2022 की, ठीक है, 20-22 दिन तक। और इसने जो रिकॉर्ड बिजनेस किया है तसीक भाई, 1.448 बिलियन का इसने, और 170 मिलियन इसका बजट था। और इसकी जो कहानी है, थोड़ी सी बता दूं। हाँ, बताओ। इसकी जो कहानी, प्लॉट बता देता हूँ आपको। नए कुछ पायलट्स होते हैं जिनको ट्रेनिंग देनी होती है, और उसके लिए टॉम क्रूज जो है वो अपनी सर्विसेज देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा मिशन जो है वो उन्होंने सरसर्ज करना होता है, उसको मिशन को उन्होंने सक्सेसफुल बनाना होता है, तो उनकी ट्रेनिंग जो है ना वो टॉम क्रूज का। फिर इसमें इमोशन भी है, फिर इसमें नॉस्टैल्जिया भी है इस फिल्म के अंदर, फिर इसके अंदर विजुअल इफेक्ट्स, फिर टॉम क्रूज का प्रेजेंस, टॉम क्रूज की एक्टिंग, और क्या बात, मतलब आप ये देखें कि कितना बड़ा रिस्क था फाइनेंसर्स के लिए और प्रोड्यूसर्स के लिए कि टॉम क्रूज को इसमें कास्ट करना, इसलिए कि टॉप गन में जैसा कि हमने 36 साल पहले एक शख्स जो हीरो था, 36 साल बाद बाबा जी को दोबारा ऐसा करियर चाहिए, मुझे भी कसम ऐसा करियर चाहिए। हाँ, ये होता है करियर कि उसके बाद आप हीरो बन रहे हैं, लेकिन कहानी ऐसी हो कि वो जस्टिफाई हो। बहुत जबरदस्त फिल्म है, मैंने तो खैर इनमें से सारी फिल्में मैंने वो भी दो दफा देखी है। जुरासिक वर्ल्ड ही आपने देखी? जुरासिक वर्ल्ड तो देखी नहीं है, लेकिन आप जो फिल्म दो दफा देखी है और मैवरिक भी दो दफा। अब जो फिल्म आने वाली है दोस्तों भाइयों, नंबर वन पाकिस्तानियों, वो जो नंबर वन फिल्म है, उससे पहले मैं दो सिप लेना चाहता हूँ। जस्ट किडिंग। अच्छा, ये जो फिल्म है, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है स्टीवन स्पीलबर्ग, और उन्होंने कहा था 2009 में ये पहला इसका पार्ट आया था, और उन्होंने कहा था कि मुझे 10 साल लगे हैं इस फिल्म को बनाने में, उसकी टेक्नोलॉजी जो थी वो मेरे पास नहीं थी, मुझे इंतजार करना पड़ा कि वो टेक्नोलॉजी आए और मैं फिल्म बनाऊं। यानी टेक्नोलॉजी से आगे सोच रहा था। एग्जैक्टली, स्टीवन स्पीलबर्ग जिस इंसान का नाम है। फिर उन्होंने बनाई अवतार 2009 में, और उस फिल्म ने तहलके मचा दिए, उसने जनाब बुर्ज उलट दिए बड़े से बड़े। कौन से बुर्ज उलटे? टाइटैनिक जैसा बुर्ज उलट दिया उन्होंने, ठीक है। टाइटैनिक इतना बड़ा नाम, 1997 में फिल्म आई थी,
1997 या अभी तक रिकॉर्ड उसका, और उसका रिकॉर्ड था 2009 तक, और वो बुर्ज उलट दिया स्पीलबर्ग ने, अवतार ने, और अब दोबारा से जब अवतार 2 आई आज से 22 दिन पहले, फिर उसने टॉम क्रूज का जो बुर्ज था उसको उलट दिया, और इस वक्त वो फिल्म जो है वो लीड कर रही है। 250 मिलियन इस फिल्म का भी बजट था और 1.749 बिलियन का रिकॉर्ड बिजनेस ये कर रही है। वूपिंग, वूपिंग जिसको कहते हैं ना, सही मानो स्काई रॉकेटेड जो है इसका। ये क्या अजीब अजीब कैरेक्टर थे वैसे, मतलब क्या देख के, मतलब देख नहीं जा रहे थे कितने क्रीपी थे ना सबीन, बहुत ही सोचो अजीब लुक्स, और सोचो इस वक्त दुनिया में ये जहाज और फाइट उसको साइड पे कर दो, ये तीन फिल्में तुम देखो, सबीन मैं तुम्हें वादा करता हूँ तुम ना इन फिल्मों की, इन कैरेक्टर्स की, इस फिलॉसफी की, इस तर्ज हयात की आशिक हो गई, मेरा नाम बदल देना। ठीक है, नाम क्या रखें सर? आप नाम सोचो, नाम सोचो, नाम मेरा नाम रखो ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज, अवतार, मुझे नाम फायदा है फिर इसका, मतलब खुशी खुशी कह रहे मेरा नाम बदलो ये रखो। मैंने कभी जिंदगी में बहुत कम होता है जिससे नहीं डाई हार्ट फैन होते जो मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं ना, सो मर्चेंडाइज का मतलब होता है कि आपका मिसाल के तौर पे आप पिंक पैंथर के फैन है तो आपने पिंक पैंथर की शर्ट पहनी थी, आप अवतार के फैन है तो आपने अवतार की। मेरी जिंदगी में पहली बार आज से 4-5 साल पहले कब आई थी ब्लैक पैंथर, मैंने जिंदगी में पहली बार ऑर्डर करके ऑनलाइन ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की शर्ट टी शर्ट पहनी थी जी, और एक खुद अपने लिए ली थी और एक फैसल के लिए मैं लेके आया था। थैंक यू सर, याद है फैसल, दैट वाज द बेस्ट गिफ्ट एवर, थैंक यू सो मच। और हम फैन हो गए थे ब्लैक पैंथर, और हम उसको पहन के फिल्में देखते थे एग्जैक्टली जैसे हम क्रिकेट की शर्ट पहन के पाकिस्तान की देखते हैं ना मैच, वैसे बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, अवतार के हवाले से एक चीज और, तौसीफ भाई जल्दी से क्विकली, अवतार 2 जो है ये फिल्म इस वक्त वूपिंग बिजनेस कर रही है और नंबर 1 पे है। जो अवतार 1 है, वन पे मैं वापिस आना चाहूंगा, वो वर्ल्ड नंबर 1 फिल्म है और उसका अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूटा, और उसका 2.922 बिलियन यानी कि 3 बिलियन के करीब उसका बिजनेस है। और जेम्स कैमरून जो है, मुझे क्या लगता है कि क्या कर रहे हैं, जैसे इस फिल्म का नाम है द वे ऑफ वाटर, ठीक है, इससे पहले जो फिल्म थी वो अर्थ से रिलेटेड थी, तो मुझे ये लगता है कि जेम्स कैमरून जो है वो करना ये चाह रहे हैं कि वो जो चारों एलिमेंट्स हैं उनको, हाँ, एयर, वाटर, फायर, एग्जैक्टली, तो उस पे ये फिल्म बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक, वेलकम बैक जी। वक्त आ जाता है सोशल मीडिया सेगमेंट का, और सबसे पहले बढ़ेंगे आपकी तस्वीरों की जानिब। सबसे पहले जी हमें सवेरा अमजद ने मरी से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी सवेरा ने हमें। लो जी, ठंडी ठंडी पिक्चर्स होंगी मरी की, अरे वाओ ब्यूटीफुल, दिस इज मरी और मलका कोसार ने बर्फ की चादर ओढ़ ली, क्या वाह जी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, क्या बात है, जबरदस्त जी, वेरी नाइस। अच्छा जी, अगली तस्वीरें कहां से आई हैं? अच्छा जी, आमिर ने मुल्तान से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी आमिर ने हमें क्या भेजा है। लो जी, मुल्तान, अरे मुल्तान से तो आम आते हैं गर्मियों में, सर्दियों में माल्टे आ रहे, माल्टे आ रहे हैं, ये मुल्तान के माल्टे और किन्नू, अरे वाह, ये मैंने पहली दफा सुना है, क्या बात, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच आमिर। मोहम्मद जुहेब ने हमें आजाद कश्मीर से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं बाग से पिक्चर्स रिसीव, बाग से पिक्चर्स आई हैं, ये क्या बन रहा है भाई, कंट्रोल रूम बताएं, ये क्या गुड़ बन रहा है, क्या बन रहा है, हलवा, बेसन का हलवा, हलवा बन रहा है, जी जी, बेसन की टुकड़ियां, आए हाय 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 हाय, क्या बात, जुल्म कर दिया जिगर तुमने, डाइट खराब करनी पड़ेगी आज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, डाइट तोड़नी पड़ेगी। अच्छा, दाल का हलवा भी मुझे याद आ रहा है, आज मेरा ख्याल है चने की दाल का हलवा ना बनवाया जाए, अखरोट का हलवा, तो सीख भाई अखरोट लगाया आपने, इनके बहुत फरमाइशी प्रोग्राम चलने लगे, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। अली रजा ने हमें पिंडी घेर से पिक्चर्स भेजे हैं, आइए देखते हैं जी अली रजा ने हमें क्या भेजा है। लो जी, अली रजा, अरे मेरा दोस्त भेज दिया है, मोजो है ये, तो सिख भाई, और ये फैसल का एक बिल्ला हुआ करता था, मोजो उसका नाम, मोजो उसका नाम था, और ये बिल्कुल मोजो है, ये आपने किधर से हासिल किया, ये आप, मेरा जो बिल्ला चोरी हुआ था ये वही है, हाँ पकड़ा गया फाइनली, एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत भाई, हमने इसका नाम मौजो रख दिया, डन। अच्छा जी, हसन ने हमें शकरगढ़ से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं शकरगढ़ से हमें क्या रिसीव। लो जी, हसन ने शकरगढ़ से, कितना खूबसूरत ये भाई आर्टवर्क, आर्टवर्क, वाह जी वाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, कलर्स बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे हसन, शाबाश, वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब। अच्छा जी, मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मोहम्मद सलमान ने हमें लाल जहानिया से पिक्चर्स नहीं मैसेज भेजा है। मोहम्मद सलमान कहते हैं, हम सब घर वाले राइजिंग पाकिस्तान बहुत शौक से देखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम कोई भी एपिसोड मिस नहीं करते। थैंक यू सो मच। आपके पास भी तौसीफ कुछ मैसेज जी? बिल्कुल, एबटाबाद से नजीर ने कल के शो के हवाले से हमें मैसेज दिया है। और कल फैसल हमारे जनाब ढोल वाले आए हुए थे। कल के शो के बारे में बड़ी मैंने आपकी मशहूरी सुनी है, बहुत मशहूरी, बहुत बिल्कुल उसके क्लिप्स बहुत ट्रेंड कर रहे हैं कल से। तो वो कहते हैं इस्लामाबाद में कितनी ठंड है, मेरे गांव में भी बहुत ठंड है, मैं एबटाबाद से आपको याद कर रहा हूँ, एबटाबाद के करीबी किसी गांव से। कल ढोल वाले सेगमेंट ने सारी ठंड भगा दी। तौसीफ भाई, आप अकेले भंगड़ा नहीं डाल रहे थे कल सेट्स पे, हमारे घर में भी साथ साथ आपके भंगड़ा डाला जा रहा था, हम सब फैमिली वाले एक्चुअली डांस कर रहे थे। हमें तो ऐसे लग रहा था कि सबीन आप ही की शादी का, जो आप लोग बता चुके हैं कि 2023 का आगाज हो तो राइजिंग पाकिस्तान के स्टूडियो में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। क्या बात है, मुझे क्यों नहीं बुलाया सबीन? कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ ढोलकियां भी शुरू हो चुकी हैं। मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने इस ढोल वाली चीज़? मुझे खुद अभी पता चला। धराबी से हदीका गुल ने मैं याद किया, कह रही कल का शो देखा तो मैं हैरान रह गई और खुद बहुत खुश भी हुई, क्योंकि जो ढोल मास्टर आए हुए थे उनका ताल्लुक हमारे गाँव से। मैंने शोर मचा दिया, अम्मी अम्मी आए राइजिंग पाकिस्तान में, देखे कौन आया हुआ है, अम्मी भी भाग कर आई। तो आपने हमारा दिल खुश कर दिया और ढोल वालों से हमारी बोला क्या बात, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, फरा अलवी ने हमें पाकपतन से याद किया है। फरा कहती है कि बहुत दिनों से सोच रही थी कि सबीन आप ही के लिए कुछ अनोखी सी तारीफ लिखकर भेजूं, तो कल रात एक शायरी का मुताला करते हुए एक शेर मेरी नजरों से गुजरा। इरशाद, इरशाद जी, शेर किसी ने खूब कहा है, खुदा किसी किसी को ये कमाल देता है कि वो आईने को भी हैरत में डाल देता है। वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारी दुआएं इनके साथ साथ, हंसता मुस्कुराता रखे, थैंक यू सो मच परवा, ये आप सबका प्यार है। जी आप शर्मिंदा शर्मा से रही, ये बहुत मुश्किल होता है तारीफ सुनना, बहुत ये बहुत मुश्किल होता है। अच्छा जी, नूर ने बलकसर से हमें याद किया, उन्होंने कहा कि मैं तो ये कहूंगी कि हफ्ते में एक दिन रखें ढोल वाले का सेगमेंट, जैसे अब्दुल्ला फातिमा, क्या कुछ लिखने की कोशिश की है, कोई लफ्ज मुझे समझ नहीं आ रहा। एनीवे, आपने जो हमारे सेगमेंट होस्ट हैं उनके नाम लिखे हैं और आपने कहा इसी तरह ढोल वाला एक दिन हफ्ते में आना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपने कल भी कहा था कि आप फरमाइश आएगी कि इनको हर हफ्ते बुलाया करें। एग्जैक्टली, वो कह रही है फैसल भाई से कहें, नहीं वो नहीं कह रही, ये आकिब हुसैन है पिंड दादन खान से, वो कह रहे हैं फैसल भाई से कहें कि मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, डॉक्टर स्ट्रेंज मैंने देखी है और उसमें जो लीड कैरेक्टर है उस बच्ची का, वो उसकी शक्ल वाकई शक्ल मिलती है सबीन से मिलती है। आज मैं जाके देखती हूं। अच्छा, इस बहाने देख लो। चक झुमरा फैसलाबाद से राहत हनीफ कह रहे हैं, सबीन आप ही आजकल ज्यादा छुट्टियां कर रही है, लगता है शादी की शॉपिंग शुरू हो गई है। भाई यहाँ तो बड़ा माहौल बना हुआ है। कराची से नफीस अहमद कहते हैं, राइजिंग पाकिस्तान में जहाँ ढोल और शहनाई वालों ने परफॉर्म किया वहाँ हिट तो था तौसीक भाई का भंगड़ा, हमें नहीं पता था आप इतना अच्छा डांस करते हैं, सबको बहुत मजा आया, हंसते मुस्कुराते रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पता ही नहीं है। अच्छा जी, सरदार कॉलोनी झंग से सनी कहते हैं, हॉलीवुड की फिल्मों के अलावा अगर पाकिस्तानी फिल्मों की बात की जाए तो लेजेंड ऑफ मौला जट और जरार टॉप टू ट्रेंडिंग रही। जी ठीक है, प्रोड्यूसर साहब अगले शो में मुझे जरूर बुलाइएगा, हम इस बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली, सिद्रा खान पिंडादन खान से कह रही है, आज तौसीक भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं, आज का पैगाम यही है कि आप सबको अल्लाह ताला इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी मैसेज है राहत हनीफ का फैसलाबाद से, और ये कहते हैं कि मैंने लिस्ट बनाई है पाकिस्तानी टॉप 5 फिल्मों की। थैंक यू। नंबर 5 पे है लंदन नहीं जाऊंगी, 4 पे टिच पटन, जरार, पंजाब नहीं जाऊंगी और लेजेंड ऑफ मौला जट। कहते हैं ये मेरी अपनी पसंदीदगी के हिसाब से मैंने लिस्ट बनाई। बिल्कुल सही है, हमने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट कर ली है, अगले शो में हम इसी पे बात करेंगे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजनेस टॉप ट्रेंडिंग फिल्मों के हवाले से। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फैसल हमारे साथ देने के लिए, बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे चलते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे हुमा ख्वाजा से, हमारे साथ रहेगा ये राइज़िंग, मजे मजे का म्यूजिक।